कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। आज मैं शंघाई के एक म्यूजियम में आया हूँ घूमने के लिए, और इसका नाम है शंघाई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। शंघाई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, और यहाँ इसके बारे में मैंने बहुत इंटरनेट पे देखा था, यहाँ बहुत सारे डायनासोर और इसके बारे में बताते हैं, तो हमें लगा कि ईसा बेटी को भी ले चलते हैं, थोड़ा दिखा दे कुछ डायनासोर वगैरह। चलिए तो आइए हमारे साथ, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ हमने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक कराया था एक हफ्ते पहले, लेकिन यहाँ फॉरेनर को पेपर में टिकट लेना पड़ेगा। टिकट एक हफ्ते के पहले मोबाइल में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज सोल्ड आउट होता है। और फॉरेनर के लिए यहाँ पे पेपर में टिकट लेना पड़ेगा, ऐसा है ना? तो अभी हमने टिकट ले लिया है, आप देख रहे हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि 6 साल से नीचे के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा। अगर आपके पास बच्चे हैं और वो 6 साल से कम उम्र के हैं, तो उसके लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए भी मुफ्त है बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं हम 4th फ्लोर पे हैं, और यहाँ एक बात बहुत अजीब है कि यहाँ एंट्री 4th फ्लोर पे हो रही है, मतलब आपको ऊपर से नीचे जाना है। 4 फ्लोर है, तो अभी हम लास्ट फ्लोर पे हैं। फ्लोर पे बस डायनासोर बने हुए हैं, और इधर कुछ बंदर है, आपको दिखाता हूँ। ईसा को खिला देंगे, खा के खुश हो जाएगा, मीठा मीठा ईसा को खा लो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नहीं, ईसा को नहीं खिलाएंगे। ये डायनासोर के समय के पत्थर हैं, और आप देखें सब यहाँ रखे हुए हैं, कितने पुराने होंगे, करोड़ों साल पुराने। आप देख रहे हैं ये लकड़ी, ये उस समय डायनासोर के समय की ये लकड़ी है, और कितना पुराना होगा ये पेड़, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस इतनी पुरानी चीज़ को मैं छू रहा हूँ। और भी पेड़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, वाह, ईसा भी करोड़ों साल पुराना ये पेड़ छू रही है। 7.5 महीने की। यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो बस एक मॉडल ही बनाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल असली हैं। उधर आप देख रहे हैं वो डायनासोर की असली हड्डियाँ हैं। इसको देखने से ही अंदाजा लग जा रहा है कि उस समय कितने भयानक होंगे ये। यहाँ पे डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं, सोचिए कितने बड़े बड़े अंडे हैं। अगर आज डायनासोर जिंदा होते तो उनके अंडे का ऑमलेट कितना महंगा।
का मिलता और कितने का एक ऑमलेट होता आप वो अंडा देख के अंदाजा लगा सकते हैं। टीवी में और मूवी में ये डायनासोर देख के अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि मतलब ये कितने बड़े हैं और हम इनके सामने कितने छोटे हैं, लेकिन यहाँ आके और ये देख के लग रहा है कि हाँ ये कितने बड़े थे और उस समय ये कैसे होंगे। इसमें बहुत सारी तितलियाँ हैं और यहाँ ये बताया जाता है कि ये तितली जो है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और बच्चों को ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और दिखाया भी जाता है। यहाँ पे कितने तरह की तितलियाँ हैं। तो अभी हम म्यूजियम के बाहर आ गए हैं और 5 बज गया है शाम के, म्यूजियम बंद होने जा रहा है। बहुत अच्छा लगा म्यूजियम घूम के, यहाँ लाइफ का प्रोग्रेस देख के बहुत मज़ा आया। अब यहाँ म्यूजियम घूमने के बाद यहाँ बाहर थोड़ी प्यास लगी है और भूख भी लगी है, तो यहाँ पास में ही एक मॉल है बहुत अच्छा, तो उसमें चलते हैं। अभी अंदर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर बहुत गर्मी थी, यहाँ एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। ईशा को भी भूख लग रही थी और हमको इसी रूम की तलाश थी। यहाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बच्चों के लिए ऐसा रूम हर जगह है जहाँ वो बच्चों को दूध पिला सकते हैं या डाइपर वगैरह बदल सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ बच्चों का दूध गर्म करने के लिए यहाँ मशीन है, अगर गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए भी है, सब कुछ है यहाँ पे। डाइपर वगैरह भी यहाँ चेंज कर सकते हैं इस पर लिटा के। यहाँ ये बहुत अच्छा है, अगर आप छोटे बच्चे के साथ हैं और माँ को दूध पिलाना है तो डायपर बदलना हो तो कोई टेंशन नहीं है। ये रूम जो है हर मॉल में, हर पार्क में, करीब करीब सभी जगह आपको मिलेगा। तो अभी म्यूजियम भी घूम लिया और पेट पूजा भी हो गई, तो अभी घर चलते हैं वापस। बाय बाय।